नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथियों को कई कई महीने हो गए, कई कई साल हो गए, लेकिन अभी तक सुर ज्ञान नहीं हुआ है और उनको सुरों की पहचान भी नहीं है। बहुत से जो हमारे बिगनर्स हैं, उनको सुरों की पहचान भी नहीं है। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सुर ज्ञान ऐसा कौन सा रियाज है जिससे कि हमको सुर ज्ञान होता है। और जब एक बार सुर ज्ञान हो जाता है, फिर दुनिया का कोई भी गीत आपसे बचकर नहीं जाएगा। तो चलिए, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, स्किप मत करना, बहुत खास होने वाला है वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको साथियों ये बताना चाहूंगा कि जिन साथियों को सुरों की पहचान नहीं है, वो इस समय मेरे कीबोर्ड के हारमोनियम के कीबोर्ड देख सकते हैं कि मध्य सप्तक की जो पहली काली है, ये हमारा सा है। तो एक सप्तक में 12 सुर होते हैं हारमोनियम में, जो है कुल मिलाकर 3 सप्तक का हारमोनियम होता है, जिनमें 36 प्लस की बटन होते हैं, और एक सप्तक में जो है 12 सुर होते हैं, ठीक है। तो ये बीच वाला जो मध्यम सप्तक कहलाता है, उसके हिसाब से ये हमारा सा है। तो इसके हिसाब से मैं आपको अगर सुरों की बात बताऊं, तो देखिए 7 सुर हमारे शुद्ध होते हैं। तो सा, रे, ये गा, मा, पा, धा, नी, और ये तार सप्तक का सा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो एक सप्तक में जो हमारा जो मध्य सप्तक है, हर एक सप्तक में 7 सुर हमारे शुद्ध होते हैं, ठीक है, और 4 सुर हमारे कोमल होते हैं। तो सा के जो नीचे वाला सुर है, देखिए ये हमारा शुद्ध रे है, तो इसके पहले का जो स्वर है ये हमारा कोमल रे कहलाता है, ठीक है। सा से जो पहला बटन है ये रे है, यानी शुद्ध रे से नीचे वाला बटन जो है वो कोमल रे है, और शुद्ध गा से जो नीचे वाला बटन आता है वो कोमल गा है। देखिए लिख भी रहा है ये। इसके बाद में आता है हमारा धा कोमल, तो ये हमारा धा कोमल है, और धा कोमल धा शुद्ध के जो नीचे वाला बटन होता है वो होता है, और पा से अगला वाला बटन होता है, ठीक है। उसी हिसाब से हमारा जो नी आती है, तो ये कोमल नी है, तो शुद्ध धा से ऊपर है और शुद्ध नी से ये नीचे आती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर नी कोमल, धा कोमल, गा कोमल और रे कोमल, तो कुल मिलाकर 7 वो और 4 ये 11 बटन तो हमारे ये हो गए, और सुर होते कितने हैं एक सप्तक में 12, और ये हमारा तीव्र मा कहलाता है, ठीक है। ये तीव्र मा है, ठीक है, और तीव्र मा जो होता है वो शुद्ध मा से ऊपर वाला होता है, ठीक है, यानी कि इससे ऊपर होता है। ये चीज आपने समझ ली। अब मैं आपके इसके वॉल्यूम के बारे में बताता हूं कि ये इसकी आवाज कैसे निकलती है। तो देखिए, ये जो हमारा कोमल रे है, ये जो हमारा कोमल रे है और इसके ऊपर ये शुद्ध रे है, इससे आधी आवाज ये देता है, यानी सा से ऊंची आवाज देता है और रे से कम आवाज देता है, ये बीज वाला स्वर। वही गा से शुद्ध गा कम आवाज देता है और शुद्ध रे से ज्यादा आवाज देता है, ठीक है। उसी हिसाब से ये धा कोमल से कोमल धा जो कम आवाज देता है, लेकिन पा से ज्यादा आवाज देता है ये, ठीक है। उसी हिसाब से ये नी कोमल है, तो धा से शुद्ध धा से ज्यादा आवाज देता है, लेकिन शुद्ध नी से कम आवाज देता है, ठीक है, ये समझ लो आप। अब साथियों बात आती है कि हमें सुर ज्ञान कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक सा का रियाज करना चाहिए इस वाले बटन का। यदि आपने ये बटन पक्का कर लिया सा, तो फिर आपके जो आगे के स्वर हैं, इनको आपको दिमाग में बिठाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये भी आपको समझना होगा कि सा से जैसे ही आप अगला बटन जाएंगे, तो आप अपने गले को भी साधना है। जब भी आप रियाज करें तो अपने गा से, यानी कि अपने गले से गा के रियाज करें। ये नहीं है कि खाली देखिए, ऐसे तो 5 साल का बच्चा भी बजा लेगा इसको। एक बार आप बता देंगे कि बेटा ऐसे ऐसे कर लो, तो वह ऐसे कर लेगा। लेकिन हमें सुर ज्ञान करना है, और सुर ज्ञान जब ही होगा कि जब आप इनके साथ खेलेंगे, इनके साथ समय बिताएंगे, सुरों के साथ आप इनको समझेंगे, आप इनके साथ रहेंगे, और जो आपके साथ रहेंगे तभी ये आपको सुर ज्ञान देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो सा है, केवल इस पर उंगली रखेंगे हम। सुर तो आपके समझ में आ ही गए कि 7 वाले जो सुर, और सबसे पहले आपको जो शुद्ध स्वर हैं 7 हमारे, उन पर रियाज करना है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। और उसके बाद आपको फिंगर का ध्यान रखना है कि फिंगर हमको
कौन से सुर पे कौन सी फिंगर हमारी रखी जानी है। बाएं हाथ से बजा रहे हैं तो सा हमारा इस पे आएगा, सीधे हाथ से बजाएंगे तो सा हमारा इस उंगली पे आएगा जो अंगूठे के बराबर वाली है, रे हमारा इस पे आएगा और थंब जो है अंगूठे पर हम जो गा लेते हैं और फिर इससे हम ये मा लेते हैं, इससे पा, इससे धा, फिर अंगूठे से नी और फिर इस वाले से सा। दो अंगुली एक्स्ट्रा इसने रखती है कि अगर आगे गाने में जरूरत पड़ी तो हम इसको आगे लगा लेते हैं तीन उंगलियों को, ठीक है। उसी तरीके से आप इसको वापस आना है, ठीक है। इसी तरीके से वापस आएंगे कि ये लेंगे फिर अंगूठा लेंगे और फिर ये लेंगे यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, फिर अंगूठा ले लेंगे और फिर ये उंगली यहाँ लेंगे और ये हमारे यहाँ आ जाती है, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा रखते हैं तो इस तरीके से आप बजाएंगे और मैं बाएं हाथ से बजाता हूं तो मुझको ये सा, रे, गा अंगूठा, मा, पा, धा, नी और ये सा। वैसे ही मैं इसको वापस आ जाता हूं, इधर मैंने दो अंगुली एक्स्ट्रा अपनी रख रखी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको उधर कर लूंगा, ठीक है। ये उंगलियों की पोजिशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं रियाज की, तो रियाज कैसे करें, तो आप इसको सा, सबसे पहले आप इसको सा को एक मिनट तक इसको सा को ही बजाइए, कान लगा के, इधर उधर की आवाज आनी नहीं चाहिए, कान लगाइए इस पे और समझिए कि ये सुर क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। यही एक ये बटन है और एक ये पा है साथियों, ये दो बटन ऐसे होते हैं सा और पा, इनका कोई दूसरा रूप नहीं है, ये अपनी जगह से कभी नहीं हिलते हैं और इन्हीं दो बटनों को अगर आपने पक्का कर लिया तो ये बाकी के सारे स्वर आपके पक्के हो जाते हैं, ठीक है। देखिए कोशिश कीजिए कि आपकी आवाज इससे मिले, इधर उधर आवाज जाएगी शुरू में, कोई बात नहीं है, अगर आप नए हैं तो आवाज जाएगी और थोड़ा आपने रियाज किया हुआ होगा तो एकदम नहीं भी जाएगी इधर उधर। तो देखिए सा मिलाकर देखिए सा 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 सा, ये मैं जान के कर रहा हूं, आपकी आवाज ऐसा हो सकती है सा 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 सा, तो ऐसे अगर आपकी आवाज हो रही है तो आवाज मैच नहीं कर रही है, आवाज आपकी और इस सुर की आवाज बिल्कुल मैच हो जानी चाहिए सा की। किस तरह से देखिए सा, एक सांस में जितनी भी आपकी सांस भर के आप सा लगाइए, जब सा लगाएं तो आवाज को ऊपर नीचे नहीं करें, अगर एक बार आपकी आवाज मैच कर जाती है उसको मैच ही कर रहने दें और बार बार मिलाएं सा, फिर हटाएं सा, फिर हटाएं सा, फिर हटाएं सा सा सा। जब खूब देर हो जाए उसके बाद में आप फिर उंगली रे पे लगाएं सा। अब आपको थोड़ा सा जोर लेना है रे पे, सा रे सा रे, तो कम से कम 5 मिनट इन दोनों बटनों पे आप रियाज करें सा रे, फिर इसमें गा जोड़ लें सा रे गा आ रे फिर सा रे फिर गा। पहले इसकी हारमोनियम की आवाज बजाएं, उसके बाद हारमोनियम की आवाज हटा के फिर खुद की आवाज मिलाएं गा, ठीक है। फिर रे सा, फिर मां पे जाएं इस तरीके से मां, मेरी तो खैर आवाज मैच करे कह रहेगी लेकिन आपकी इधर उधर जाएगी, कोशिश करें। फिर गा पे आए गा, फिर सा रे पे जाएं रे, फिर सा पे जाएं सा, फिर पा पे पा जाएंगे, फिर धा जाएंगे, फिर नी जाएंगे, फिर सा जाएंगे सा नी धा पा मा गा रे सा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी आवाज अगर सुरों पर मैच कर गई, इसके बाद फिर हम यहां से इस सुरों को पक्का करने के बाद फिर हम इसको अलंकार करते हैं, ठीक है साथियों। अलंकारों का भी करना बहुत ही जरूरी है।
तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में हम कुछ अलंकार भी सीखेंगे और फिल्मी गाने तो हम लेके आरती भजन तो आते ही हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हारमोनियम बजाना सीखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।